बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महेंद्र सिंह रावत भी अब चुनावी मैदान में कूद गए हैं। आखिरकार महेंद्र रावत ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो चुनावी मैदान में महेंद्र सिंह रावत का बड़ा दाव यहां पर देखने को मिला है, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रेस वार्ता आयोजित कर महेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह रावत गत दिनों पूर्व देवदर्शन यात्रा पर निकले थे। गांवों में अपनी देवदर्शन यात्रा के पश्चात चुनाव लड़ने के फैसले पर उन्हें निर्णय लेना था। ऐसे में गांवों में अपार समर्थन मिलने पर रावत ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने की ठान ली और यहां पर घोषणा भी कर डाली। ऐसे में सवाल बड़ा कि क्या भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं महेंद्र सिंह रावत, यह सवाल खड़ा हो चुका है। लेकिन निर्दलीय दावेदारी के निर्णय पर महेंद्र सिंह रावत के समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं ब्यावर में अब ये मुकाबला पंचकोणीय हो गया है और रोचक मुकाबला देखने के आसार अब यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा में भाजपा प्रत्याशी शंकर सिंह रावत और भाजपा समर्पित इंद्र सिंह बागावा जो कि निर्दलीय दावेदारी के रूप में अपनी ताल ठोक चुके हैं और अब महेंद्र सिंह रावत भी अब निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में कूद गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो पारस पंच वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के चलते नाराज हुए मनोज चौहान भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। तो ऐसे में ब्यावर में पंचकोणीय मुकाबला दिखने के साफ साफ आसार दिख रहे हैं। 6 तारीख को हम नामांकन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ। पूरे विधानसभा में सभी जाति समाज का, सभी धर्मों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और ब्यावर की जनता परिवर्तन चाहती है और ब्यावर की जनता पिछले 15 साल का हिसाब मांगती है।